आप सबने द केरला स्टोरी के बारे में सुना होगा, जो ए सर्टिफाइड के साथ 5 मई को रिलीज होने जा रही है। सुदीप्तो सेन की यह मूवी रिलीज होने से पहले कई विवादों के बीच घिर चुकी है। आखिर क्या कारण है कि जिस वजह से केरला स्टोरी को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? दरअसल द केरला स्टोरी का टीजर नवम्बर 2022 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद हर जगह हड़कंप मच गया। इस मूवी के मेन कैरेक्टर फातिमा का जीवन है, जिसमें वह अपना नाम शालिनी बताती है और कहती है कि अब वह शालिनी नहीं फातिमा बन चुकी है और उसने अब आईएस ज्वाइन कर रखी है और अब वह अफगानिस्तान की जेल में बंद है। वह यहाँ पर अकेली नहीं बल्कि उसकी तरह 32,000 ईसाई और हिंदू लड़कियाँ हुआ करती थी, जिनको बाद में इस्लाम कबूल करवा कर आईएस ज्वाइन करवा दिया गया। इस वजह से यह मूवी रिलीज होने से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच बहस का मुद्दा बनकर रह गई है और केरला स्टोरी को 10 कट के साथ सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने की भी अनुमति दे दी है। इस मूवी के बारे में कितना सच है, कितना अफसाना? आपकी द केरला मूवी के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।